हेलो स्टूडेंट, अब आप घर बैठे कंप्यूटर सीख सकते हैं, वो भी सर कुंदन के साथ। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि घर से पढ़ाई हो रही है हम लोगों का, और हमने आप लोगों को क्लास फोर का लेशन वन लेशन टू कंप्लीट कर दिया हूँ। सो स्टूडेंट, आप जा करके देख सकते हैं, ऐसे भी आपको व्हाट्सएप पे ये सब सारा मटेरियल मिल जाएगा। सो स्टूडेंट, चलिए आज हम आपके लिए क्लास फोर का लेशन थ्री लेकर के आए हैं। चलिए टाइम को बचाते हुए, चलिए ये क्लासेस हम लोगों का 10 से 12 मिनट का होगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, सो लेट्स इट स्टार्ट नाउ क्लासेस। सो स्टूडेंट, चलिए फटाफट कंप्यूटर सीखिए, ये क्लास फोर ए बी सेक्शन का लेशन थ्री है। सो स्टूडेंट, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए लेशन थ्री में आज हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर पर कार्य करना, यानी वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर। सो स्टूडेंट, कैसे कंप्यूटर पर कार्य करते हैं, चलिए एक चित्र के अनुसार आपको दिखाते हैं। चित्र में दिखाए गए कंप्यूटर के भागों को ढूंढिए तथा गिनिए, अब उनकी संख्या में से उनकी संख्या कितनी है उसको आपको लिखना है। सो स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले मॉनिटर है, तो आप इस चित्र में देखिए स्टूडेंट की मॉनिटर कितने हैं। सो स्टूडेंट, मॉनिटर एक है, दो है और तीन है। तो सो स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, इसमें आप थ्री लिखेंगे। क्लियर। अब है माउस, काउंट कीजिए स्टूडेंट, माउस कितने हैं, एक दो दो दो, ये रहा आपका तीन और ये रहा चार, ये नहीं है, ये इसका पैर है। सो स्टूडेंट, चलिए इसमें माउस चार है। क्लियर। आइए कीबोर्ड कितने हैं स्टूडेंट, वन टू, यानी एक दो, इसमें आप दो लिख दीजिए। आइए स्टूडेंट, इसमें आप देखिए कि सीपीयू कितने हैं, सीपीयू देखिए यहाँ पेड़ के पीछे है, देखिए है ना। चलिए सीपीयू यानी वन पीस है, और देख लीजिए स्टूडेंट सीपीयू, और कहीं दूर दूर तक नज़र तो नहीं आ रहा है। क्लियर, सीपीयू हमारा वन पीस है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आइए कंप्यूटर को स्विच ऑन करना, यानी स्विचिंग ऑन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्विच ऑन करने के लिए कैसे स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए कंप्यूटर को स्विच ऑन करने के लिए निम्न चरणों के अनुसरण कीजिए। चलिए सो स्टूडेंट, सबसे पहला चरण है, सबसे पहले मेन पावर को स्विच ऑन करेंगे, यानी जहाँ से आपके कनेक्शन किए गए हैं। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग मेन पावर को ऑन करेंगे। दूसरा है स्टेप, अब सीपीयू के बटन को दबाइए। सो स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं, ये तो इसमें गोल वाला भी रहता है, जो बड़ा वाला वाला रहता है वो स्विच, और एक छोटा जैसा रहता है वो रीस्टार्ट रहता है। सो स्टूडेंट, चलिए आपको जो बड़ा वाला गोल जैसा दिखेगा सो स्टूडेंट वो स्विच बटन है। चलिए आपको इस तरह के बटन भी मिलेंगे, इस तरह का पहले था, फंक्शन ये खत्म हो गया, अब आपको इस तरह से गोल वाला बटन मिलेगा, जो बड़ा रहेगा वो आपके स्विच बटन है। सो स्टूडेंट क्लियर। आइए अब है सीपीयू बटन को दबाकर ऑन करना है, उसके बाद सीपीयू बॉक्स का, सॉरी ये यूपीएस है, यूपीएस में भी बटन रहता है गोल ही जैसा रहता है, ये यूपीएस है। सो स्टूडेंट, ये आपका यूपीएस है, ये स्विच बटन है, ये यूपीएस, ये सीपीयू है। आइए स्टेप थ्री में, इसके बाद सीपीयू बॉक्स का पावर बटन दबाकर स्विच ऑन करेंगे। तो ये देखिए आपका सीपीयू में इस तरह से है आपके गोल सा बटन है। चलिए क्लियर हो गया स्टूडेंट, ये यूपीएस है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये यूपीएस है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए ये है हमारा चरण फोर, मॉनिटर को चालू करने के लिए मॉनिटर का पावर बटन दबाकर उसे ऑन कीजिए और कंप्यूटर को शुरू की प्रतीक्षा कीजिए। सो स्टूडेंट, थोड़ा सा टाइम लेता है, तब तक में आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। तो मॉनिटर में भी इस तरह से गोल बटन होता है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब मॉनिटर सीआरटी नहीं, अब पीएफटी आने लगा है, इस तरह का मॉनिटर आता है। क्लियर स्टूडेंट। अब यह है मॉनिटर पर नीचे दिए गए चित्रों के भांति इस स्क्रीन खुल जाती है, इस स्क्रीन को क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। जो फर्स्ट स्क्रीन दिखता है स्टूडेंट उसको क्या कहते हैं हम लोग, डेस्कटॉप। और याद रखें स्टूडेंट, कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को बूटिंग भी कहते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर स्टार्ट करो, तो स्टार्ट को आप बोल सकते हैं किसी को, कंप्यूटर को हमारा बूट कर दो। क्लियर। आइए ये डेस्कटॉप क्या है, डेस्कटॉप के बारे में जानते हैं। जब हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा तो डेस्कटॉप इस तरह से हमारा खुलता है, ये हमारा विंडो 7 का ये स्क्रीन है स्टूडेंट, ठीक है। आइए कंप्यूटर के शुरू होने पे जो प्रथम स्क्रीन दिखाई देती है उसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। क्लियर।
नंबर वन, आप पढ़िए, कंप्यूटर पर दिखने वाले रंगीन चित्र को डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहते हैं। जो इस तरह से रंगीन चित्र दिख रहे हैं उसको क्या कहते हैं? डेस्कटॉप बैकग्राउंड। नंबर टू है, डेस्कटॉप पर दिखने वाले छोटे चित्र को आइकन्स कहते हैं। सभी स्टूडेंट इस सब टॉपिक को लिखेंगे अपने कॉपी में, क्लियर, और याद करेंगे। थ्री है, डेस्कटॉप पर नीचे दिखने वाली पतली पट्टी को टास्क बार कहते हैं। ये जो देख रहे हैं पतली पट्टी, ये जो आप देख रहे हैं एकदम पतली सी पट्टी यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं इसमें, ये आपके टास्क बार, यहाँ दिया भी गया है। टास्क बार पर बाईं ओर स्थित बटन को स्टार्ट बटन, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग स्टार्ट बटन भी बोलते हैं, क्लियर। ये हमारे आइकन्स हैं, ये हमारा डेस्कटॉप है, ये हमारे टास्क बार हैं, और ये हमारा स्टार्ट बटन है। आगे बढ़ते हैं। अब आइए कंप्यूटर को स्विच ऑफ करना, यानी स्विचिंग ऑफ है कंप्यूटर, यानी शट डाउन करना है कंप्यूटर्स को। तो कंप्यूटर्स को ऑफ करने के लिए निम्नलिखित चरण के स्टेप को ध्यान से फॉलो करना है। सो स्टूडेंट आइए, स्टेप वन है, स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। सो यहाँ पे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टेप टू, आपके सामने कंप्यूटर के स्क्रीन सूची प्रकट हो गई, इस तरह से सूची प्रकट होगा। स्टेप थ्री में आपको क्या करना है, जब आपके सामने संदेश सूची यानी मैसेज बॉक्स प्रकट हो तब शट डाउन को चुनिए और ओके पे क्लिक कीजिए। इस तरह से आपके शट डाउन के ऑप्शन आएंगे, उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद मॉनिटर को आपको बंद करना है और यूपीएस बटन को भी बंद कर देना है। ये देखिए यूपीएस बटन है और ये आपके मॉनिटर, इस तरह से आप स्टेप फॉलो करेंगे, आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। और अंत में जो है विद्युत आपूर्ति वाला बटन बंद करना, यानी ये आपको बंद कर देने हैं। आइए यह जानिए, फेडरिगो फैगिन ने प्रथम सीपीयू को तैयार किया। याद रखें, कंप्यूटर को बंद करने के लिए सीपीयू बॉक्स के बटन को दबाने की आवश्यकता नहीं होती। आपने जो अभी कंप्यूटर को ऑफ किया, कहीं सीपीयू बटन का कोई फंक्शन नहीं था, क्लियर। आइए कंप्यूटर के कुछ शिष्टाचार के नियम, यानी कंप्यूटर मैनर्स। कंप्यूटर का प्रयोग करते समय निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए हम लोगों को। तो सबसे पहला है, कंप्यूटर के आसपास कुछ खाने पीने की सामान नहीं रखनी चाहिए। जैसे ये देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर के सामने खा रहे हैं पी रहे हैं, तो कीबोर्ड में जो है वाटर गिर जाएगा, खाना गिर जाएगा, तो कीबोर्ड गंदा हो जाता है, जिसके कारण कीबोर्ड ख़राब हो जाता है। इसलिए खाने पीने के सामान की कंप्यूटर चलाते समय उस जगह नहीं रखनी चाहिए, क्लियर। आइए नंबर टू, माउस को माउस पैड पर रख कर ही चलाना चाहिए, इससे आपके माउस खराब नहीं होते हैं। आइए उसके बाद है, कीबोर्ड के बटनों को आराम से दबाना चाहिए। कुछ बच्चे लोग क्या होते हैं कि बहुत ज़ोर ज़ोर से दबाने लगते हैं। सो हम आपसे ये बोलेंगे कि बच्चे आप कीबोर्ड पे धीरे धीरे प्रेस करें, इससे कीबोर्ड खराब हो जाती है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, ये तार देखिए बहुत ज़ोर से खींच रहा है, ये गलत तरीका है। इस तरीके से कीबोर्ड के तार, माउस के तार को नहीं खींचना चाहिए, कभी भी कीबोर्ड और माउस के केबल को नहीं खींचनी चाहिए। चलिए क्लियर। उसके बाद है, कंप्यूटर कक्ष को साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है, देखिए क्या बच्चे लोग साफ सफाई कर रहे हैं बढ़िया से, चलिए एक नंबर काम कर रहा है ये। इसी तरह से आपके पास भी कंप्यूटर लैपटॉप है, उस पर भी आप ध्यान दें, या लैब में आप जाएं स्टूडेंट तो आपको अपने कंप्यूटर्स का ध्यान रखें, जब कंप्यूटर चला ले तो उसको साफ सफाई करके उसको डस्ट कवर से ढक दें। सो स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर कक्ष में प्रवेश करने से पहले अपने जूते और चप्पल आदि को बाहर निकाल देना चाहिए। नंबर सेवन, कंप्यूटर को साफ करने के लिए हमेशा सूखे और नरम कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। गंदगी और नमी कंप्यूटर के लिए हानिकारक होती है, इसलिए कंप्यूटर को काम करने के बाद कंप्यूटर को हमेशा डस्ट कवर से ढक देना चाहिए। डस्ट कवर कंप्यूटर को गंदगी और नमी से बचाता है। आइए कुछ प्रश्न है स्टूडेंट, इसको आपको सॉल्व करके हमें व्हाट्सअप करना है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6200390793, ये आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करने हैं। सो स्टूडेंट पहला है, गंदगी और नमी से कंप्यूटर को कैसे बचाना चाहिए। तो गंदगी और नमी से कंप्यूटर्स को हमें उसको साफ, जब कंप्यूटर चला ले तो साफ सफाई करके नरम कपड़ों से उसे साफ करना चाहिए और उसको बाद में डस्ट कवर से ढक देना चाहिए, क्लियर। कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए सबसे पहला चरण क्या है, स्विच ऑफ करना है। तो स्टार्ट बटन में जाएंगे और उसके शट डाउन को फॉलो करेंगे, ठीक है, लिस्ट तरह से निकलेगा। उसके बाद आइकन्स क्या है, आइकन्स वह है जो डेस्कटॉप पे छोटे छोटे चित्र जो दिखते हैं उसको हम लोग आइकन कहते हैं। क्या हमें कंप्यूटर कक्ष में जूते चप्पल लेकर जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सो स्टूडेंट चलिए एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप बना करके हमारे इस नंबर पे आप भेजेंगे, चलिए क्लियर। सो स्टूडेंट एवरी वन हैज़ टू रिमेंबर बाय राइटिंग देयर कॉपी, आप इसको लिखेंगे और अपने कॉपी में, ठीक है, इसको याद करेंगे और अपने कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स। सो स्टूडेंट आई होप ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा। चलिए आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको इस तरह का वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। सो स्टूडेंट चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, चलिए थैंक यू बाय।